राहुल गांधी जी के साथ प्रियंका जी के साथ ये व्यापक डेलीगेशन गया है। हम आधे घंटे से ज्यादा बैठ के बहुत विस्तार से हमने विचार विमर्श किया है, एक बहुत विस्तृत रिप्रेजेंटेशन दिया है, उसके साथ तीन बड़े बड़े वॉल्यूम्स दिए हैं दस्तावेजों के, जो यूपी में मानव अधिकार का हनन दिन दहाड़े दिन रात हो रहा है उसके विषय में, उसमें वीडियोस हैं, तस्वीरें हैं, फोटोग्राफ्स हैं, नाम हैं, पते हैं, जो लोगों ने वहाँ काले कारनामे किए उनके विस्तृत रूप से डिटेल्स हैं। लगभग 9 बिंदुओं पे हमने कमीशन के हेलो आप सुन रहे हैं, लगभग 9 बिंदुओं पे हमने कमीशन को अवगत करवाया है। साथ साथ उन 9 में से हमने 2-3 चीजों के विषय में बहुत डिटेल तथ्य दिए हैं। उदाहरण के तौर पे 23 मृत्युओं के विषय में FIR होती हैं कई, एक भी FIR पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध नहीं हुई है। ये एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं सिर्फ, उन मौतों के डिटेल्स हैं, किस प्रकार से गोलियां लगी, आंख में लगी, छाती में लगी, पीठ में लगी, कोई एक्शन नहीं है। फोटोग्राफ्स दी हैं, पुलिस इलाके का नाम दिया है, अफसरों के नाम दिए हैं। दूसरा, पुलिस मित्र नाम से जो नया चीज़ शुरू की है, तो वो पुलिस के मित्र वास्तव में हैं, जनता विरोधी जनता के शत्रु बन गए हैं। हमने वीडियो दिखाया जिसमें जाहिर है कि बीजेपी के RSS के लोगों को रिक्रूट किया गया है पुलिस मित्र के आधार पे। प्रियंका जी ने बताया कि पुलिस मित्र बनने की कंडीशन ये थी कि आपका कद लगभग 5 फुट 10 इंच हो और आप RSS के से जुड़े हों, पदाधिकारी हों। एक वीडियो में हमने दिखाया तस्वीर व्यक्ति की जो पुलिस मित्र है, तस्वीर उसके भाजपा पोस्टर पे पदाधिकारी के रूप में, किस प्रकार से वो गाड़ी से उतर रहा है, उसको और उसके साथियों को डंडा दिया जा रहा है और किस प्रकार से 144 के बावजूद वो उस डंडे का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रहा है। ये है सच्चाई उत्तर प्रदेश की। हमने इसके अलावा पुलिस मित्रों के विषय में, उसके अलावा हमने वो सैकड़ों नोटिसेस दिखाए जिसके अंतर्गत पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उत्तर प्रदेश का धमकियां दे रहा है वहाँ के आवाम को कि अगर आप बाहर आएंगे, अगर आप विरोध करेंगे, अगर आप गणतांत्रिक लोकतांत्रिक संवैधानिक विरोध करेंगे तो हम ये एक्शन लेंगे, हम इस प्रकार से आपको जेल में डाल देंगे या आपकी प्रॉपर्टी को ले लेंगे, कॉन्फिस्केट कर देंगे। इस प्रकार के सैकड़ों उदाहरण हैं। हमने अनुरोध किया है कि जल्द से जल्द ये आयोग इस पे एक्शन ले, बहुत अल्प समय में ठोस एक्शन ले, व्यापक एक्शन ले, गंभीर एक्शन ले, हमें सूचित करे। और हमें पूरी आशा और विश्वास है, बहुत सब्र के साथ सुना हमें, हमें बहुत आशा और विश्वास है कि जल्द से जल्द ये होगा। I'll speak very briefly in English. We have a detailed representation of 31 pages. We have 3 volumes supporting that representation. This is a very emotive issue for us, but it is also backed by hard, solid facts, photographs, large number of videos. We have categorized them into 9 broad themes. Deaths because of police indiscriminate firing and arbitrary action. Women and minors becoming collateral damage in a very cruel manner. Vandalism by the police themselves, and in particular by this new cadre of so-called police mitras, who seem to be really mitras of the police or friends of the police and not of the public. Indiscriminate action on innocent bystanders by the UP police. There are 9 themes, as I said. Then threats issued by the UP police that we'll confiscate your property, we will come and arrest your people if you go out on the streets and exercise your fundamental right to protest. Then clearly evidence of the ruling party personnel, members, office bearers being roped in to stop democratic protest, to conduct strong, arbitrary, cruel, illegal action. Very, very important, failure to lodge FIRs. Like this, there are 9 themes. I'll take 2 minutes more.
to amplify two or three of the themes which we amplified before them. Remember, we backed it up with photos and videos. Take, for example, FIRs. The law of the land in a judgment called Lalita Kumari is that you require virtually no inquiry before you lodge an FIR. Here, we have given innumerable FIRs which reflect two very funny but very tragic things. One, not a single police officer has been named as an accused or action taken on a single complaint or FIR. It is quite amazing that with videos and photographs in a state like UP, every police officer is white as snow. Second, FIRs galore have been filed against those who are the protesters. The victims have become the accused in FIRs liberally filed by the police. We have given examples. Secondly, on police mitras, we ended by showing a video where we showed the face of the person who was recruited. As Priyanka ji told the commission, the condition precedent, the qualification for becoming a police mitra is a height of 5'10" and a association membership or office bearership of the RSS. Well, we showed an actual video with that example. The man's face is there, he's getting out of a car, he's handed a stick. We juxtapose that face with his same person's face on a BJP poster as a senior office bearer of the local area. This is the level who are, these are police mitras unleashed with sticks and lathis in a 144 area on innocent people who are exercising the right of protest. We have shown cyclo-styled 100 notices in one mohalla indiscriminately sent to people saying that you are doing unlawful activities. Obviously, when you send indiscriminately, there is no application of mind. So we gave the example of a person who was dead 6 years ago, who is accused by the notice of disturbing public tranquility, although he died 6 years ago. So friends, I will not go into further details except to say that this is hard, solid work. Priyanka ji has visited a large number of districts in that area. We held back an earlier meeting because we wanted to add even more material. This is concrete facts. It shocks our conscience. It makes us hang our head in shame. And we hope and trust that the commission which gave us a patient hearing will take action, concrete action, very promptly and under intimation to us. What was the response? What was the response? The commission heard us very patiently. The commission heard us very patiently and then said that they will look into it.